25 जनवरी को रिलीज हुई शाहरुख खान स्टारर फिल्म रईस सिनेमा घरों में अपना जलवा बिखेरे हुए हैं। रईस की टीम इस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो गई है। इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए शाहरुख खान ने सोमवार 30 जनवरी को एक सक्सेस पार्टी का आयोजन किया है, जहां फिल्म की पूरी टीम बिना शराब के फिल्म की सक्सेस सेलिब्रेट करेगी। रईस को आलोचकों और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। रईस के सटीक और प्रभावी डायलॉग, शानदार एक्शन और दमदार म्यूजिक ने सिने प्रेमियों पर असर छोड़ा है। फिल्म की और भी ज्यादा प्रशंसा शाहरुख के करीब 2 दशक बाद एंग्री यंग में इनका किरदार निभाने के लिए भी हो रही है, जैसा कि उन्होंने डर और बाजीगर में ग्रे शेड कैरेक्टर निभाया था। शाहरुख का किरदार उनके चाहने वालों के लिए एक दवा से कम नहीं, क्योंकि उनका ये अवतार सभी के दिलों को जीत लिया है। रितेश सिद्धवानी इस खबर को सही बताते हुए कहते हैं कि रईस की पूरी टीम समालोचक प्रशंसा से बहुत खुश है, उसके साथ ही दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी इन प्रशंसाओं का सही मिश्रण है। ये दिख रहा है कि हम सभी की मेहनत का एक फल मिला है, और इसीलिए इस अवसर को उन सभी लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं जो इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं। 3 दिन में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म रईस बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम किए हुए है, और ट्रेड द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म इस लंबे वीकेंड पर बहुत जल्द 100 करोड़ पार कर लेगी। रेड चिली और एक्सेल इंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और एक्सेल इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित रईस बॉक्स ऑफिस पर सफलतापूर्वक चल रही है।